नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल स्टेनोग्राफर्स हब में। दोस्तों, आज हम मासिक पत्रिका सीरीज़ की 13वीं डिक्टेशन के साथ आप सभी के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुनिश्चित करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी, जिसकी अवधि 5 मिनट की रहेगी। दोस्तों, डिक्टेशन कुछ समय पश्चात शुरू होगा। उपसभापति जी, हमारे विशेषज्ञों ने कहा है कि जिन देशों में पहले शिक्षा का विकास हुआ है, वहाँ शेष विकास बड़ी सरलता से हुआ है, और जिन देशों में शिक्षा का विकास नहीं हुआ, केवल पैसा मिलता रहा, उनको तो उसके कुछ और ही परिणाम हो सकते हैं। एक एक देश का नाम लेकर बता सकता हूँ, लेकिन देशों का नाम लेना ठीक नहीं है। हमारे देश में पैसा बाद में आया, जो बौद्धिक विकास है, आर्थिक विकास है, उनको पहली प्राथमिकता दी गई। यह हमारे पुराने इतिहास से स्पष्ट है और लोग भी इसको मानने लगे हैं कि जो प्राथमिकता भारत में ली गई है हमारे इतिहास के द्वारा, वह सही है। तो जब आप विकास की बात मानते हैं तो आपको अपनी प्राइमरी स्कूल की बात तो सोचनी ही चाहिए। प्राइमरी स्कूल को कितने सरपंच देखते हैं, गांव को लोग देखते हैं, उसके बारे में कोई भी आंकड़े रखते हैं? मुझे याद है जब हम गांवों में भाषण देने जाते थे तो प्राइमरी स्कूल से मेज़ें और कुर्सियां हमारी बैठक में उठाकर लाई जाती थी, और स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो जाती थी। यह कोई तरीका नहीं है, और जब वहां आपको पौष्टिक आहार देना है तो मैं नहीं करूंगा यह। वह तो सरपंच साहब या जो महिला सदस्या है उनको अपने ऊपर लेना पड़ेगा, और यह बड़ी खुशी की बात है कि हमने महिलाओं का भरपूर सहयोग इन संगठनों में रखा है। वह चुनकर आई हैं, और कहीं कहीं तो पुरुषों के बदले वे ही चुनकर आई हैं। कर्नाटक में या किसी दूसरे राज्य में कहा गया था कि 33% की बजाय 46% महिलाएं चुनकर आई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ यह जो आपके सामने चुनौती है, इस कार्यक्रम की, जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं लिया है, इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको संगठित शक्ति चाहिए। आपसी झगड़ों से परे
हटकर आपको देखना है कि जो गांव में गरीबी है उसे कैसे दूर करना है। कई समाज शास्त्रियों ने यह कहा है कि आज एक बहुत बड़ा अवसर मिल गया है कि पंचायतों को गरीबी को हटाने का उपाय आप सोच सकते हैं, बाहर कोई नहीं सोच सकता। तो यह तीसरा काम करना है, एक तो वोटिंग का, दूसरा विकास वाला और तीसरा जो बुनियादी काम है गरीबी हटाने का शीघ्र करना है। दोस्तों आपकी डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से यही पूर्ण हुई। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।